सोनू कुमार, मेरे पिताजी डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद, कम्प्लीटली छोटपुर बाजार में लगभग 1998 या 2000 के आसपास से कम्प्लीटली इलेक्ट्रो के पैर से किस्ता एंड अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव कर दिया है। और मैं जैसे कि मैं पटना में लगभग 2012 या 14 के आसपास में पटना में गया 11th 12th के लिए एंड ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद मेरा रुझान MBBS की तरफ नीट की तैयारी को लेकर हुआ, तो मैं कोटा में नीट की तैयारी करा। 2-3 साल मैंने एक्सपेंड भी करे, इवन दैट मेरे को होम्योपैथी मिल रहे थे। उसके बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मेरे अपने घर में ही पापा जिस इलेक्ट्रो होम्योपैथ से ऐसे ऐसे असाध्य से असाध्य कहे जाने वाले रोगों का जो कंप्लीट क्योर होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। एक छोटी सी वाक्य बता रहा हूँ, जब मैं कोविड के बाद से 2020 में मैं जब घर पे आया, घर से उनके साथ मैं देखा कि अकेले पड़ गए और मैं कंटिन्यू उनके साथ रहने लगा। उस टाइम तक मेरे को इलेक्ट्रो होम्योपैथ से कोई खास इंटरेस्ट नहीं और इतना कुछ लगाव नहीं, बट कुछ ऐसे रोगों का इवन दैट की टंग कैंसर तक का इलाज इनके सामने मैंने अपनी आंखों से देखा है जो अनबिलीवेबल थे, अनबिलीवेबल लिटरली। एंड आई हैव मोर नॉलेज अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, अच्छे से नॉलेज है। और इस सब चीज़ों में कैंसर कैसे होता है, बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये सब चीज़ों के क्या रूप हैं, कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के स्टडी करते करते जब मैंने देखा एक ऐसी पद्धति जहाँ पे हमें इस लेवल की नॉलेज की जरूरत नहीं, बस एक दवाइयाँ जो हमें उस पर जो वर्क है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उस अनुभव के आधार पर उस छोटी से एक इंजेक्शन के थ्रू हम इतने इजीली क्योर कर पा रहे हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्या है इसमें, इलेक्ट्रोमेपैथ में आखिर ऐसा क्या है जो हम इजीली इतने अच्छे से क्योर कर पाए टर्म कैंसर? क्या ये हम सोच सकते हैं क्या कि हमारी पद्धति कहाँ और कितना एडवांस है? और एक और चीज़ एक जान की छोटी सी हैरानी होगी कि आए दिन एलोपैथ में आए दिन रिसर्च पे रिसर्च रिसर्च पे रिसर्च रिसर्च पे रिसर्च होते चल रहे हैं। और हमारी पद्धति में देखिए कांड सिजोमेटी के अलावा एनएल सिन्हा के द्वारा इसके आगे हमने क्या किया, हमने कितना रिसर्च किया, कितने हमने अपने ब्रॉड लेवल पे जाकर कितना वर्क किया, क्या हमारी पद्धति कारगर नहीं है? अभी मैं जब 2020 में बैठा हुआ हूँ, क्या आप लोगों से थोड़ा सा साझा करना चाहूँगा कि 2020 से मैं इनका साथ कंटिन्यू देने लगा उस तरीके से जिस लेवल की इनके पास जो हमारे